ने वीडियो शुरू होते ही समय कह दिया था कि गंगा जी देख लीजिए आके, आप देखा नहीं आपने? गोदौलिया का पान बहुत मशहूर है। सही मायने में तो रानी औरतें होती तभी ना आप लोग रक्षा करते हैं, हम लोग हैं और थे और हमेशा रहेंगे, तभी तो पुरुष लोग हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं कि देखो हम हैं तुम्हारे पीछे, क्यों है भाई हमने रखा है आपको। अभी मैं बनारस में हूँ और बनारस अपने आप में एक अनोखा प्लेस है। ये पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं अभी मैं बनारस के घाटों पर मौजूद हूँ। एक बार पीछे का घाट दिखा दीजिए, जो घाट मौजूद है पीछे वो दिखा दीजिए, और इधर पीछे वाली गंगा मैया को दिखा दीजिए। ये गंगा मैया हमारी जो है ये संस्कृति का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अगर आपको अपनी संस्कृति देखनी है तो बनारस आइए और बनारस में सबसे पहले अपने गंगा मैया को देखिए। अभी हम उसी घाटों के क्रम में अभी मीर घाट पर मौजूद हैं, और अभी हमारे साथ जो शख्स बैठी हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई पहचान की मोहताज हैं ये, फिर भी इनसे हम पहचान करा देते हैं आपका। इनका नाम है ज्योति सहगल और ये एक यूट्यूबर, एक फेसबुकर भी हैं और इंस्टा आईडी भी चलाती हैं। अगर आप बनारस के नहीं हैं फिर भी आपको बनारस घूमना है तो ज्योति मैम की वीडियो देखिए, और आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रा भी ये फील नहीं होगा कि आप बनारस में नहीं हैं, पूरी तरह से बनारस जैसा अनुभव आपको मिलेगा। तो चलिए सीधा उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले ज्योति जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, अपने अपने चैनल पे आने का मौका दिया। मेरा नाम है ज्योति सहगल और मेरे चैनल को अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो ज्योति वाराणसी से करेंगे, और एफबी पे सहगल ब्लॉग और इंस्टा पे भी मैं सहगल ब्लॉग से ही नाम से, तीनों प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम सहगल ब्लॉग है, लेकिन यूट्यूब पे लोग मुझे ज्योति वाराणसी के नाम से ज़्यादा सर्च करते हैं। एक चीज़ जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि ये एक हाउसवाइफ भी हैं, है ना? हाउसवाइफ भी हैं? हाउसवाइफ तो नहीं, मैंने टीचिंग करती थी पहले मैं, फिर उसके जैसे हाउसवाइफ भी तो कह सकते हैं क्योंकि आप शादीशुदा हैं, तो एक तरह से हाउसवाइफ भी तो। हाँ, वो तो मतलब हाउसवाइफ भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं आप, मैंने सही बोला है। और एक हाउसवाइफ यानी कहें कि शादीशुदा होने के बाद भी ये जो है ब्लॉगिंग का चैनल चलाती हैं। और सबसे पहले मुझे बताइए अपने चैनल के बारे में कि आपके चैनल पर आज तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा? सफ़र तो बहुत ही मुश्किलों भरा था, क्योंकि अगर आपको कुछ बनना है और इतनी आसानी से मिल जाता तो फिर इतना मज़ा नहीं आता ना। थोड़ा सा तो परेशान थे हम लोग, काफ़ी पर मतलब काफ़ी थोड़े बहुत नहीं लोग। उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके मन में कब आया कि हमें YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर हमें लोगों तक जो है कि खासकर बनारस की न्यूज़ को जो है, बनारस की जो संस्कृति है उसको दिखाना चाहिए? तो मैं पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे जो पूरा यूपी है, पूरे उत्तर प्रदेश का, या तो मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे भारत की नज़र इस समय है बनारस पे, क्योंकि बनारस को इतना खूबसूरत बना दिया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए हमारे बनारस को, इवन बनारस को ही नहीं और भी कई ऐसे शहर हैं जिनका हम लोगों ने अभी टारगेट ले रखा हुआ है कि पहले बनारस को एक्सप्लोर करना है, फिर आगे भी हम लोग बहुत जल्दी आगे भी जाने वाले हैं और उस सिटियों को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। मतलब कि बनारस से बाहर जाके, या फिर यूं कहें यूपी से बाहर जाके? हाँ, यूपी से बाहर जाके। पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही इतनी जगह है कि उसको एक्सप्लोर करना ही मुश्किल है, पहले उसको एक्सप्लोर करूँगी और फिर बाहर भी जाऊंगी बहुत जल्द। और बनारस के हम बनारस किए और एक मुलाकात करके हम बात ना करें फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने इनको मैसेज किया। और इत्तिफाक की बात यह है कि हमारे मैसेज करने के बाद हमने एक दूसरे से बात भी किया, तय भी हुआ कि हाँ मिलकर वीडियो करेंगे, लेकिन उसके एक महीने बाद हमें समय मिल पाया है वीडियो करने का, क्योंकि न हमें टाइम मिल पाया न इन्हें टाइम मिल पाया, लेकिन हम गॉड का शुक्रिया अदा करेंगे कम से कम हमें मिलने का मौका मिला और वीडियो करने का साथ मौका मिला। अच्छा, सब बातों को दूर रख के हमें एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बनारस के होते हुए हम लोग जैसे बनारस के हैं तो कैसा फील होता है बनारस के बारे में, बनारस की संस्कृतियों के बारे में खासकर? देखिए बनारस की संस्कृति, आपने वीडियो शुरू होते ही समय कह दिया था कि गंगा जी देख लीजिए आके यहाँ की, बनारस मतलब काशी जो शुरू होता है हमारा, हमारे बाबा के धाम से शुरू होता है, और हमारे काशी में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसे मतलब हर गलियों में, और वैसे तो कहते हैं कण कण में शंकर। आप हमारी संस्कृति को देखना चाहते हैं तो एक बार आइए बनारस और आके यहाँ पे थोड़े दिन रह के देखिए, और यहाँ पे आपको रात में रात नहीं लगेगी और दिन में तो मतलब क्या ही बात है हमारे बनारस की। अच्छा, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है
आज मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व भर में काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है उसके बारे में कोई नहीं जानता होगा, ऐसा कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा। तो ये हमारे बनारस के लिए खासकर कितने गर्व की बात है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में? काशी विश्वनाथ टेम्पल जो बनाया गया है, पहले जब आप आए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सी सकरी सकरी गलियां थी। कई बार ऐसा होता था कि यात्री बाहर से आते थे अपने सामान को रख के भूल जाते थे, कई चीज़ें खो जाती थी, लेकिन अब एकदम बदल चुका है हमारा काशी, जहाँ पे शिव शंकर जी के लिए इतना, मतलब उनके लिए कौन क्या करेगा, भगवान के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता जी है ना, ये बात तो है। तो जो भी उनके लिए बनवाया गया है, जो भी हम लोगों ने श्रद्धा पूर्वक बनवाया गया है यहाँ पे, वो आप इस समय देखेंगे तो आप बनारस में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मतलब इतनी भीड़ मिलेगी, रोज कम से कम 5 से 6 लाख लोग यहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए नॉर्मल डेज पे, और वीकेंड पे तो ऐसा होता है कि संडे में आप गदौलिया मार्केट आ जाइए एक बार आप। अच्छा, कहते हैं कि गदौलिया का पान बहुत मशहूर है ना? हाँ, खाई है आप? अरे वीडियो बनाया है, आप देखा नहीं आपने? गदौलिया का पान बहुत मशहूर है, और मैं इस गदौलिया के बारे में अपनी लगभग हर वीडियो में एक गाने का जिक्र करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में जिक्र मैं नहीं करूँगा। और साथ उस गाना आप भी जानते हो, भोजपुरी में वो गाना है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। चल के गदौलिया के पनवा किलायदा। देखिए, मैंने उस गाने का जिक्र भी नहीं किया और मैम समझ गई कि मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। सही पकड़ी है। उस गाने को आप सुन लीजिए और आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ कहाँ मिलती है हमारे बनारस में, सब चीज़। और वैसे बताऊँ, मेरे को बनारस नाम कम अच्छा लगता है, हमें काशी नाम अच्छा लगता है यहाँ का, और हमें बनारस नाम अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, काशी अच्छा लगता है, मेरे बाबा की नगरी काशी। अच्छा, एक चीज़ और है, हम बात कर रहे हैं हर टॉपिक पर, लेकिन एक टॉपिक को भूल जा रहे हैं, एक स्थान को भूल जा रहे हैं जहाँ पे जन्म और मृत्यु दोनों मिलते हैं, और हमारे पास से ज़्यादा दूर भी नहीं है वो। अरे उसके बारे में क्या कहेंगे? मणिकंका घाट, यहाँ पे मोक्ष पाने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, एक मोक्ष भवन है, वहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मौत का इंतजार करते हैं, ये एक ऐसा बनारस। आपको हम बता दें, जिसके बारे में ये बात कर रही है उसका नाम काशी लाभ मुक्ति भवन है, और जो लोग बुजुर्ग होते हैं या फिर लगता है जो कि अपनी अंतिम सांसें जो है जीवन का अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, उनको वहाँ पर रखा जाता है, और उनके अंतिम जो दिन है वहाँ पर व्यतीत करते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसी मणिकर्णिका घाट पर लाकर उनके शव को जो है दाह किया जाता है, और लोग कहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, इसके बारे में कुछ और बातें बताइए आप मणिकर्णिका। आपको एक बात और बता दूँ, आपको ये मोक्ष भवन है जो एक अब काशी विश्वनाथ जी के सारी चीज़ें एक संस्था ऑर्गेनाइज करती है उसको, और वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपकी मैंने एक वीडियो में वो देखा भी था, इनकी उस वीडियो को मैंने देखा भी था जो आपका मोक्ष भवन का। जी, अंदर जाके मैंने पूरा शूट किया था। और खाना भी खाई थी आप? हाँ, नहीं, वो तो अन्नपूर्णा जी का था। अच्छा, अच्छा। वो अन्नपूर्णा जी का था, मैं मोक्ष भवन एक अलग है जो कि अभी नया बना है, जिसमें कि अभी मुश्किल से 20-30 लोग रह भी रहे हैं, बुजुर्ग लोग, वो काफ़ी बढ़िया है। और मणिकंका के बारे में क्या ही कहना है, मणिकंका में लोग सोचते हैं कि मेरी मृत्यु जो है काशी में हो जाए, और कई बार तो मैंने ऐसा भी सुना है लोगों से कि लोग सीढ़ी पे आते हैं, घाट की सीढ़ियों पे बैठे बैठे ही मर जाते हैं, और वो इससे अच्छी मौत क्या होगी काशी में आके। अच्छा, एक चीज़ कहते हैं कि जब आप मणिकर्णिका घाट पर मौजूद रहेंगे, आपके अंदर कितना भी टेंशन हो, आप कितना भी पूरी दुनिया के बारे में या फिर अपने पूरे फैमिली के बारे में सब कुछ के बारे में सोचते हो, और जब आप उस घाट पर आते हैं तो आप अपशब्द हो जाते हैं, और आपकी जो चिंता है पूरी सृष्टि की चिंता है सब दूर हो जाती है। मतलब कि उस टाइम लगता है कि जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा फील होता है। मणिकंका मोक्ष, मतलब लास्ट, मतलब उसके परे, मतलब उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना। इंसान जब वहाँ आता है तो वो सब भूल जाता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहाँ राख पड़े मिलते हैं लोगों को, बड़े बड़े टेंशन वाले, मतलब अपने ही लोग छोड़ के साथ दूर खड़े हो जाते हैं, तो ये टेंशन और परेशानियों का क्या, वो भी दूर खड़े हो जाती है उस समय। रहो तुम रहो, यहाँ मणिकंका आए हुए नज़ारा देख कर ही लगता है कि बस यही अंत है, और क्या। देखिए, परेशानी, और ये कहिए कि मैं नहीं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, ये नहीं कह सकते कि मैं परेशान नहीं हूँ, आज मैं यूट्यूबर बन चुकी हूँ तो मतलब लाखों करोड़ों के बारे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत परेशान है हम भी, अपने लाइफ से बहुत परेशान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन आते हैं घाट पे बैठते हैं थोड़ी देर, सारी परेशानी दूर, सारी परेशानियाँ दूर, लोगों का हंसता मुस्कुराता चेहरा देख कर। अच्छा, ये भी कहते हैं कि ये मणिकर्णिका घाट ऐसी चीज़ है, लोग कहते हैं अगर आपको जन्म और मृत्यु दोनों देखनी हो तो वहाँ पर चले जाइए, और आपको अच्छे से दिख जाएगा कि जो जीवन का वास्तविक सच है वो क्या है।
जीवन का वास्तविक सच मतलब क्या, वही है ही सब कुछ। आने की भी जरूरत नहीं है, घर से ही आपने अगर सोच लिया ना कि मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बाद कुछ है ही नहीं। अच्छा एक चीज और देखते हैं कि भारत, पूरे भारत में सबसे ज्यादा विजिट करने वाले जो विदेशी टूरिस्ट होते हैं वो बनारस में ही आते हैं, इसका कारण? इसका कारण यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ ये सबसे पुरानी काशी, सबसे पुराना है बनारस, और गंगा जी हैं यहाँ पे, और यहाँ का जो व्यू मिलता है उन्हें वो बहुत ही मतलब, देखिए कई बार ऐसा आपने फॉरेनर्स को देखा होगा कि वो ऐसे शहर को हमेशा चुनते हैं जो पुराना हो, और काशी जो है सबसे पुरानी है और बाबा के त्रिशूल पे है, ये भी जी है। तो लोग को देखना आना तो बनता ही पड़ेगा। सोचिए बाहर से विदेशों को हम लोग मजबूर कर देते हैं कि आइए हमारे बनारस में, और आप हमारे चैनल पे नहीं आएंगे तो कैसे लगेगा, आइए हमारे चैनल पे और देखिए हमारे काशी बाबा की नगरी को। मैंने पहले ही ये बात बोला था कि आप बनारस के नहीं हैं, फिर भी अगर आपको फील करना है कि आप बनारस में हैं तो ज्योति जी की वीडियो को देखिए, आपको जरा भी नहीं लगेगा कि आप बनारस में नहीं हैं, पूरी तरह से आपको बनारस वाली फीलिंग आएगी, वही बनारसी अंदाज है ना मैम, वही बनारसी अंदाज क्या उसी बनारसी अंदाज में एकदम आप वीडियो भी करती हैं और वही बनारसी अंदाज लोगों को लगेगा भी। हाँ भले ही बनारसी आती नहीं, अभी हम सीख रहे हैं थोड़ा। अभी गाने में आपने बोला थोड़ा सा। हाँ बनारसी सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा हमको तो भी आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जहाँ जरूरत होती है। और एक चीज़ है, बनारस में आके आप भोजपुरी ना बोले, बनारस की गलियों में अल्लड़पना ना हो तो लगता नहीं कि हम बनारस में आए हुए हैं। देखिए हर एक जगह की उसकी एक अलग खासियत होती है, हमारे यहाँ बनारस की खासियत है पान, सुबह उठ जाइए कचौड़ी जलेबी मिल जाएगी आप, कचौड़ी गली की आपने याद दिलाई। कचौड़ी जलेबी मिल जाएगी आपको, और हर एक चीज़ में हम लोग फन निकाल लेते हैं। आप पान खाने जाइए तो वहाँ पे आपको 50 लोग अगल बगल बैठे हुए और क्या गजब की बातें करते हुए मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा बनारस में, बस उनकी बातें ही सुन के आपको पता चल जाएगा, वो मोदी वो मायावती तो वह गांधी जी तो ये पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। एक चीज़ और है, अच्छा लास्ट बात इसके बारे में बात कुछ और, एक और टॉपिक उस पर बात करेंगे। हमारे यहाँ का एक मार्केट बहुत पॉपुलर है, दाल मंडी है उसको कहते हैं, और दाल मंडी से जो है कि भारत में बहुत जगह से लोग आते हैं सिर्फ सामान परचेस करने के लिए। यहाँ पे अंचल का सबसे बड़ा मार्केट है दाल मंडी जी। तो आपने दाल मंडी का पूरा सफ़र किया है? अभी तो हम आधा ही दाल मंडी घूम पाए, अभी आधे का बनाना वीडियो बाकी है जी, अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, क्योंकि दाल मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक सुई से लेकर नाखून, मतलब होता है ना ऊपर से लेकर नीचे तक का सामान जो मिलना होता है ना, वो सब मिल जाएगा आपको दाल मंडी का, और सबसे अच्छे प्राइस में। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है वो दाल मंडी जी। अगर आपको कभी बनारस आना है तो बनारस में कुछ चीज़ों को अगर आप मिस करके जाते हैं तो आपका बनारस आना जो है कि सफल नहीं होगा। एक चीज़ काशी विश्वनाथ का दर्शन, दूसरी चीज़ घाटों पे घूमना, तीसरी चीज़ गोदौलिया का पान खाना, और चौथी चीज़ जो कचौड़ी गली है, सुबह सुबह कचौड़ी का वहाँ पे कचौड़ी और सब्जी जो है वो खाना। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा अब कि आपका जो आज चैनल है आज लगभग 45,000 तक पहुँच गया है, ठीक है, तो जीरो से 45,000 तक पहुँचने का जो सफ़र है उसमें कितने मुश्किल आए हैं, कितने लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अगर आप कोई भी काम करते हैं तो परेशानियों के बिना अगर वो काम हो गया तो वो काम कैसा? जी जी, ये तो आपने वीडियो के शुरू में ही बताया। हाँ तो इसलिए देखिए बहुत सी परेशानियाँ आई, बहुत सी चीज़ें थी, कभी कई कई बार तो हमारे वीडियोस नहीं चले तो टेंशन, क्योंकि देखिए जब आप एक ऊपर चढ़ते हो ना और आप अगर एक भी सीढ़ी गिरते हो तो ताना मारने वाले हज़ार हो जाते हैं, लेकिन आप अगर वही बढ़ते जाते हो तो वो तारीफ़ करने वाले बन जाते हैं, लेकिन ताना मारने वाले हज़ार। कोई अच्छा काम करिए देखिए लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब भी आप कोई बुरा काम करिए पूरे शहर को पता चल जाएगा, लेकिन मेरा वो अच्छा काम किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन बुरा काम पहले दिख जाएगा। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अरे क्या है, नाचती रहती है, लोगों के सामने उछलती रहती है, कूदती रहती है, बहुत सी बातें थी ऐसी सुनी थी। लेकिन बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि ये हमारे समाज को जो लड़ाओ लड़कियां उनको बिगाड़ रही हैं। हाँ अरे वो क्या बिगाड़ रही हैं लड़कियां, हम लोग क्या बिगाड़ रहे हैं, हम लोग तो सिखा रहे हैं कि ऐसे करिए काम, क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो शूट करना कोई गलत बात नहीं है, कोई जेंट्स करता है तो बहुत अच्छा है, कोई लेडीज़ कर रही तो बेकार है, ऐसा क्यों है? अभी आप प्रैंक वीडियो बनाइए, कोई लेडीज़ अगर देखो प्रैंक कर रही हैं ऐसे बोलेंगे, लेकिन ये गलत बात है। अगर आप अपने घर की लेडीज़ को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा? हर कोई अपने घर में चाहता है कि कोई एक लेडी गागा टाइप हो, लेकिन अपने घर में नहीं करेंगे, अगल बगल में
हो, घर में ना हो, लेकिन हो जरूर। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो आज अभी आज के ज़माने में भी जो लोगों की सोच है वो भी पुराने ज़माने की तरह ही है। लोग सोचते हैं कि हमारी लड़कियां हैं पढ़ेंगी, इंटर की, ग्रेजुएशन की, उसके बाद शादी कर देंगे, घर जाएंगे, अपना अपना जो है कि घर का जो है देखभाल करेंगी, वो करेंगे। तो आप में हम खुद ही मेरे घर में भी लोग कहते थे शादी हो जाए जो मन करे करना। नहीं नहीं, शादी के बाद लोगों का ये ख्याल रहता है, खासकर ससुराल वाले भी और जो जिनका लड़की का जो घर रहता है वो वाले वो भी यही कहते हैं कि पढ़ लिख ली अब शादी कर दो, जाके चौका बेलना घर पे करेगी और कुछ लड़का बाद क्या मतलब क्या वो कर लेती हैं, कुछ नहीं, जिसको जो करना होता है वो वही करता है। आप ये सोचिए अगर आज हमको ये बनना था तो हम ये शादी के पहले ही बन सकते थे, लेकिन सपोर्ट नहीं था। मतलब सपोर्ट एक लेडी मानता है, जो बात है साफ, कोई बराबर नहीं मानता है। भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी जी को ये सबको साथ मान सकते हैं, लेकिन हमारे फैमिली में अगर ये कहिए तो नहीं हो सकता है। आज का जो समाज है वो नहीं, मेरे घर की बात तो मत ही करिए, क्योंकि अगर मेरे घर वाले ऐसे होते तो हम यहाँ ना बैठे होते। हम औरों की बात कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि अच्छा हो अच्छा हो, लेकिन अपने घर के लोगों को यार अपने घर की तरफ पहले, लोगों का क्या ध्यान रहता है बगल में क्या हो रहा है। पहले आपके घर में भी लेडीज़ हैं, आपने उनको कितना प्यार से रखा है, आपने कितना उनको आगे बढ़ाया, पहले उस पे ध्यान दो। बगल में कौन वीडियो शूट कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे क्या लेना देना आपका। लेकिन नहीं, उनको आपसे लेना देना है, उनको अपने घर वालों से लेना देना नहीं है। एक चीज़ और कि ये कह सकते हैं कि आज की जो बदलती दुनिया है और जो डिजिटल ज़माना है उसमें कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है कि जो रूढ़वादी विचारधाराएं हैं वो भी बहुत जगह पे भी उपलब्ध है, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो उसको दूर करने के लिए कुछ आपके पास तरीके हों जिससे कि लोगों को जागरूक हो, हाँ उससे लोग जागरूक हो और बदलाव आ सके। कहते हैं कि लोग अपने आप को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आज हम 2023 में जी रहे हैं, और पहले अगर आप पहले का बनारस देखते तो कितना कैसा था, और आज का बनारस देख रहे हैं तो वो बदल चुका है, तब इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उसी तरह आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने परिवार में रहन सहन को। देखिए पैसे से ही केवल रहन सहन नहीं बदलता है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी मेंटेलिटी, हम 10 रुपये मेरे पास है, हम 10 रुपये में भी एक अच्छे से रह के दिखा सकते हैं आपको, है ना। ये नहीं कि मेरे पास 10 कपड़े होंगे तभी हम सुंदर लग सकते हैं, मेरे 4 में भी लग सकते हैं यार। लेकिन उसी तरह आप अपने फैमिली को बदलिए, बदल के अपनी औरतों को आगे बढ़ाइए। औरतों को आगे बढ़ाएंगे तो वो जो सपोर्ट आपको देंगी ना, लोगों को ये लगता है कि औरतें आगे बढ़ जाएंगी तो उन पर हावी हो जाएंगी, नहीं, वो औरत नहीं, एक आदमी को अपने ऊपर रखा है तब वो घर का राजा कहलाता है, और सही मायने में तो रानी औरतें होती, तभी ना आप लोग रक्षा करते हैं हम लोगों की। जी जी रखा तो हम लोगों ने आपको कि हमारी रक्षा करो हम लोग रानियां हैं और थे और हमेशा रहेंगे, तभी तो पुरुष लोग हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं कि देखो हम हैं तुम्हारे पीछे, क्यों है भाई, हमने रखा है आपको। बहुत अच्छा लगा आज ज्योति जी से बात करके। बाकी बनारस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी जो गंगा नदी है, हमारा जो बनारस का घाट है, गोदौलिया का पान है, कचौड़ी गली है, और काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है उसके बारे में भी क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मैडम का जो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो को देखें, और बनारस जैसा आनंद लेना है तो इनकी वीडियो को तो ज़रूर ही देखें। बाकी वीडियो में यहीं तक रखेंगे, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद।